प्रभु यीशु मसीह के मधुर और प्रेमी नाम में आप सभी का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार हमें मिलती है, उसी के नाम में चंगाई है, उसी के नाम में वो हमें छुड़ाता है। यीशु मसीह का नाम सबसे महान और ऊंचा नाम है, वो प्यारा नाम, एक ही नाम यीशु का नाम है। आइए मिलकर उसकी तारीफ करें, उसके अद्भुत कामों का हम गीत के द्वारा वर्णन करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जिस नाम में आशीष मिलती
मिलती है जिस नाम में उन्नति होती है। कोई और ऐसा नाम नहीं, कोई और ऐसा नाम नहीं, कोई और ऐसा नाम नहीं, मीठा नाम प्यारा नाम एक ही नाम यीशु नाम, मीठा नाम प्यारा नाम एक ही नाम यीशु नाम, एक ही नाम यीशु का नाम। उसी नाम में हमें उद्धार मिलता है, उसी नाम में हमें जीवन मिलता है, उसी नाम में वो हमें आशीष से भरता है, वही नाम जो हमारी उन्नति करता है। हालेलुया। स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर हमें एक ही नाम दिया गया है, उसका नाम यीशु मसीह है। और वचन में लिखा है हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, हर जवान कहेगी यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। और उसी नाम से हम प्रेम करें, उसी नाम को हम प्यार करें। हालेलुया। धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया। शाम और सुबह ओ एक ही नाम की हम उसका महिमा करें, उसका आदर करें। हालेलुया धन्यवाद करें, दिल की गहराई से हम उसकी आराधना करें। हालेलुया मन की सच्चाई से इस पवित्र नाम को हम धन्यवाद करें। हालेलुया दिल की गहराई से मन की सच्चाई से, दिल की गहराई से मन की सच्चाई से, यीशु तुझे चाहो हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यारूं हर पल। शाम और सुबह में गाता रहूं जो भी किया तूने मेरे लिए, अंधकार से गुजरू भी तो चरवाहा है तू क्यों डरू मैं, पीछे ना हटूंगा कभी मैं, तू जो चाहेगा करूंगा मैं, हमेशा तुझी को मैं तेरे वचन से बढ़ूंगा मैं, जिंदगी भर में रहूं तेरी छाया में प्रभु, मेरे सारे सोते मैं ही मैं पाता हूँ, जिंदगी भर में रहूं तेरी छाया में प्रभु, मेरे सारे सोते तुझे ही मैं पाता हूँ, तेरी अमानत तू ही मेरा पिता, मिली चंगाई तेरे लहू
हूँ तेरी छाया में प्रभु, मेरे सारे सोते तुझ में ही मैं पाता हूँ। जिंदगी भर में रहूं तेरी छाया में प्रभु, मेरे सारे सोते तुझ में ही मैं पाता हूँ। मेरी जिंदगी तेरी अमानत, तू ही मेरा पिता, मिली चंगाई तेरे लहू से, योग्य तू है खुदा। मेरी जिंदगी तेरी अमानत, तू ही मेरा पिता, मिली चंगाई तेरे लहू से, योग्य तू है खुदा। हालेलुया, तू धन्यवाद हो प्रभु। इसलिए प्रभु हम तेरे दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम तुझी से ही प्यार करते हैं प्रभु, तू ही योग्य है प्रभु, तू ही योग्य है पिता, आदर के योग्य, महिमा के योग्य, तू ही योग्य है लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद। ताकि घोर अंधकार में हम चले तो भी हम डरेंगे नहीं, क्योंकि तू हमारा अच्छा चरवाहा है प्रभु, हमारा भरोसा आप पर है। हालेलुया, हमारी चंगाई प्रभु आप में है, सारी उन्नति प्रभु आप में है, ओ सारी आशीष से प्रभु तुझी में है। हालेलुया, तू ही हमारा जीवन का सोता है प्रभु, तुझी से हम प्रभु इस सारे आशीष को हम पाते हैं। तेरे अनुग्रह से प्रभु, तेरी दया से तूने हम पर बहुत आयत से की है, उसी के द्वारा प्रभु हम जो कुछ भी है प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम तेरी तारीफ करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। तू ही भरोसा की योग्य है, एकमात्र परमेश्वर है। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हुए प्रभु हमारे जीवनों को हम तेरे आगे समर्पित करते हैं। सारी आशीष प्रभु तेरे नाम में हमें प्राप्त होती है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमें किसी बात की घटी ना होगी, क्योंकि तू हमारा अच्छा चरवाहा है। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता। सारा आदर महिमा प्रभु तुझे देते हैं, मसीह यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में, आमेन और आमेन। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहन बच्चा लोग, पिता परमेश्वर और यीशु मसीह की ओर से शांति और अनुग्रह आपको मिले। आज हम वचन मनन करने जा रहे हैं, लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय का 33 वचन। और भी वचनों को हम मनन करेंगे, यीशु मसीह का वचन है लूका 11 अध्याय 33 वचन। कोई मनुष्य दिया बार के तलगरी में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाए। तो उजियाला के बारे में यीशु मसीह बता रहे हैं, इंसान के अंदर किस तरह का उजियाला है, कैसे होना चाहिए, उसके बारे में बता रहे हैं। काफ़ी बार यीशु मसीह लोगों को बताते थे, जगत का ज्योति, जगत की ज्योति मैं हूँ, और जो मेरे पीछे चलेगा वो जीवन की ज्योति पाएगा। तो उस उजियाला के विषय में बता रहे हैं, कोई मनुष्य दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखेगा। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं, हमारा अंदर जो दिया हुआ उजियाला है उसको हम समझना है,
उसका हम प्रकट कराना है, उसको ऐसा छुपाना नहीं है। उस उजियाला के द्वारा लोग आशीष को पाए, रोशनी को पाए। प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग के पिता परमेश्वर, आज हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया हुआ अद्भुत वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज जो वचन हम आज पढ़े हैं, हम सुन रहे हैं, मनन करने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा मुझे कब्जा लीजिए प्रभु जी। आप मेरे ओठों के द्वारा, मेरे जीभ के द्वारा प्रभु जी, मेरे आवाज़ के द्वारा पवित्र आत्मा बात कीजिए। मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। पवित्र आत्मा बात कीजिए, मेरे होठों को स्पर्श कीजिए। जो चीज़ें उचित है लोगों के लिए, आशीष का कारण है ऐसे बातों को कहने के लिए, मेरे मनों को, होठों को, जीभों को, मेरे गले को, मेरे आवाज़ को चंगाई कीजिए, स्पर्श कीजिए। पवित्र आत्मा नदी जैसा बहने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। एक एक को आशीष कर, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ स्वर्गीय पिता, आमेन। जैसा वचन में पढ़ा है, दिया जो है उसको जलाते हैं, रोशनी देता है, वो चीज़ दीवट पर रखा जाता है, मतलब वो प्रकट किया जाता है, उसकी रोशनी से लोगों को फायदा होती है। तो छुपाने वाले बात नहीं है। आज मेरे भाई बहन, आपके अंदर जो है यीशु मसीह का दिया हुआ विश्वास है, पवित्र आत्मा है, आपके लिए दान वरदान है, अनुग्रह है, ये प्रकट कराने वाले चीज़ है, छुपाने वाले बात नहीं है। तो कैसे कैसे इस उजियाला आपके अंदर प्रकट होना चाहिए, सबसे पहले हम देखना चाहिए ये उजियाला सबसे पहले इंसान के खुद के जीवन में कार्य करना चाहिए। सबसे पहले अपना आप को रोशनी देना चाहिए। तो यीशु मसीह का वचन है, इसमें सामर्थ्य है, बोलते हैं जो दिया जलाकर उसको रोशनी दिलाने के लिए ऊंचे पर रखा जाएगा, लोग उसको देखेंगे, लोगों को उजियाला मिलेगा। सबसे पहले अपने को उजियाला मिलेगा, अपना आपको वो रोशनी देने वाले, आपको पता चलेगा मेरे जीवन में मुझे क्या करना है, मुझे कैसे चलना है, वो ज्ञान परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं, इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला है तो उसका कोई भाग अंधेरा न रहे। तो आपके लिए बोल रहे, आपका जीवन में कोई भी अंधेरा न रहेगा, शरीर पूरा उजियाला रहेगा। 34 वचन में 11:34 में कहते हैं, तेरे शरीर का दिया तेरी अंक है, इसलिए जब तेरी अंक निर्मल है तो तेरा सारा शरीर में उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तेरा शरीर भी अंधेरा है। 36 में लिख रहे हैं, इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला है, उसका कोई भी भाग अंधेरा ना हो, तो सबका सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय में होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। सबसे पहले तुझे, इस बातों को ध्यान से सुने, तुझे मतलब जो रोशनी, जो ज्ञान हमें पाते हैं, उस ज्ञान से पहले हम उजियाला को पाना चाहिए। उस रोशनी मेरे जीवन में काम करना चाहिए। मेरा जो उजियाला है, मेरे जीवन में जो मिल गया ज्ञान है, मुझे उजाला देना है, पूरा शरीर को उजाला देना है। जो आंख है, शरीर का दिया तेरी आंख है, देखो शरीर में आंख नहीं होता, इंसान को कितने भी सुंदर चीज़ होगा, कितनी भी अच्छी चीज़ होगा, अगल बगल में देख नहीं पाते हैं। आज आत्मिक आंख जिसको बंद है, उसके लिए आत्मिक चीज़ समझ में नहीं आता है, उसका आत्मिक जीवन अंधेरा में है, उसके पास उजियाला नहीं है। तो आत्मिक ज्ञान परमेश्वर का ज्ञान है, वो तेरे आंखों में दिखना चाहिए। उस आत्मिक आंखों से उस ज्ञान को हम पाएंगे, हमारे लिए उजियाला होगा। 34 में पढ़ते हैं, तुझे उजाला देता। सबसे पहले जो इंसान ज्ञान पाते हैं, उस ज्ञान सबसे पहले उनको ही, उनको फायदा होते, उनके मनों में चमकने लगता है। परमेश्वर जो है
ज्योति का पिता है, याकूब लिख रहा है ज्योति का पिता है, और रोमियो में हम पढ़ रहे हैं हम ज्योतियों संतान है। रोमियो को 13 अध्याय में हम पढ़ते हैं हम ज्योति के संतान है, हमारा पिता ज्योति का पिता है, उसका ज्ञान की ज्योति। दूसरे कुरिन्थियों 4:6 में, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके। उत्पत्ति का पहला अध्याय का वचनों को ध्यान में रखते हुए बता रहे हैं, पहले अंधकार में सबसे पहले ज्योति का शुरुआत हमारा प्रभु में है। प्रभु के बगैर कोई ज्ञान नहीं है, प्रभु के बगैर कोई रोशनी नहीं है। प्रभु हमारे जीवन में नहीं रहने से सब अंधेरा ही रहने वाले हैं, हमारा आंख भी अंधेरा, हमारा शरीर में भी अंधेरा, हमें कोई उजाला नहीं मिल सकता। परमेश्वर ने अंधकार में ज्योति को चमका, वही हमारे हृदय में चमका है। सबसे पहले हमारे हृदय में चमकता है। लिख रहे कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति प्रभु यीशु के चेहरे में, प्रभु यीशु के चेहरे से प्रकाशमान हो, प्रकाशमान हो। यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान होता है, प्रगट होता है परमेश्वर की महिमा की पहचान। जब भी लोग यीशु मसीह को देखते थे, पिता परमेश्वर को पहचान लेते थे, कितना प्रेमी है, कितना सामर्थ्य, कितना विश्वास योग्य है। चंगाई करने में, लोगों को सिखाने में, लोगों के पर तरस खाने में, पिता का दिव्य स्वभाव को यीशु मसीह के चेहरे में, उसके जीवन से लोग देखते रहे उसके कार्यों के द्वारा। वही चीज़ आज हमारा दिलों में चमका, उसका ज्ञान का सोता है। परमेश्वर को जान लो, वही उजियाला है। यीशु मसीह के चेहरे से पिता परमेश्वर को जानना चाहिए, उसके स्वभाव को, उसके सामर्थ्य को, उसका प्रेम को देखेंगे, हमारा दिलों में ज्योति चमकेगा। जब तक परमेश्वर को नहीं जानेंगे, इंसान अंधकार में रहते हैं। कितने भी पढ़ाई करने से भी, कितने भी ज्ञान होने से भी, ज्ञान है खास परमेश्वर का ज्ञान है, उसका आत्मिक ज्ञान है, वही तेरे आंखों में रोशनी देता है। शरीर का दिया तेरी आंख है, हमारा आत्मिक आंख परमेश्वर का ज्ञान को पहचान लेना चाहिए। वो निर्मल होना चाहिए, हमारा आंख बराबर दिखना चाहिए परमेश्वर का ज्ञान को देखने के लिए, तो तेरा सारे शरीर भी उजियाला है, आंख निर्मल है। परमेश्वर का वचन को पूरा विश्वास के साथ देखने वाले आंख है, नम्रता से परमेश्वर का वचनों को स्वीकार कर उसको देखते रहेगा। नीति वचन 4 में बोल रहे हैं, तेरे आंखों के सामने उनके वचनों को रखो, वही निर्मल आंख है, परमेश्वर को पहचानने वाले, परमेश्वर को देखने वाले, वही आंख एक आशीष पाया हुआ धन्य है, धन्य है। यीशु ने अपने चेलों से कहा, धन्य है आप लोगों का आंख, आप लोगों का कान जो देख रहे हो, दूसरे लोग देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं। वो लोग शारीरिक आंख दिखता था, लेकिन उनके आत्मिक आंख बंद था। आज मेरे भाई बहन बच्चा लोग, हमारा आत्मा की आंख देखते रहें, वो अंधेरा न हो जाए, इसलिए वो आगे बता रहे हैं, इसलिए तुम सावधान रहो, तेरा जो उजियाला अंधेरा न हो जाए। इस ज्ञान को कोई भी पैसे के लिए, कोई भी दुनिया की ताकत के लिए, दुनिया के लोगों के लिए कभी भी हम छोड़े नहीं, उसको कभी इनकार न करें। परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर का पहचान है, महिमा की पहचान यीशु मसीह के चेहरे से चमक रहा है। आज उस चमक से हमारा दिलों में परमेश्वर ने चमका दिया, इसलिए आज हमारा चेहरे में भी परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति चमकता रहेगा। हमारा आँख निर्मल है, हमारा शरीर उजियाला होता है, तो ये चीज़ों को यीशु मसीह दूसरे एक जगह में भी कहते थे, लूका 8 अध्याय में, कोई दिया बार के बर्तन से नहीं छिपाता और न काट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले
प्रकाश पाए। तो ये चार तरफ की जमीनों के विषय में बात कर रहे थे, बीज के दृष्टांत दे रहे थे। बीज है परमेश्वर का वचन का ज्ञान है। उस दृष्टांत कहने के बाद बता रहे, कोई दिया बार के बर्तन से नहीं छिपाता, काट के नीचे नहीं रखता, दीवट पर रखता कि भीतर आने वाले प्रकाश को पाए। और सबसे पहले मेरे भाई बहन, आपको उजाला मिलना चाहिए, जैसे लुका 11:34 में देख तुझे उजाला। और दूसरी चीज़ है, भीतर आने वाले प्रकाश पाए। भीतर कौन आएगा? आपके पड़ोसी, अड़ोसी पड़ोसी, जान पहचान लोग आपके घर के अंदर आएंगे, तो उनके लिए आपका ज्योति चमकना चाहिए। ज़रूर यीशु मसीह एक जगह पे बताते थे, तुम दुनिया के लिए रोशनी हो, ज्योति हो, उजियाला हो, लेकिन सबसे पहले उस उजियाला अपने में काम करना है। मुझे पता चलना चाहिए सच्चाई परमेश्वर कौन है, सच्चाई मार्ग क्या है। उसके बाद लूक 8:16 में हम पढ़े, भीतर आने वाले प्रकाश पैदा है। जो भी अपने घर के लोग होते हैं, आसपास के लोग, हमारा हमें मिलने आने वाले लोगों को उस उजियाला होना चाहिए। तो ये चीज़ यीशु मसीह बताते हैं। और आगे भी हम मत्ती में हम पढ़ पा रहे हैं कि जो भी शहर जो है पहाड़ पर बसा हुआ शहर छिप नहीं सकता। इसका मतलब क्या है? आपके उजियाला आपके जीवन में, फिर आपके घर में, उसके बाद देखो नगर पर, पहाड़ पर बसा हुआ नगर जैसे ये पूरा शहर को उजियाला दे पाएंगे। वहाँ पर मत्ती का 5 में बता रहे हैं, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। आपके अंदर का ज्योति को छुपाना नहीं है। और आगे बता रहे, लोग दिया जलाकर ऐने पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं कि घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। घर वालों को प्रकाश, शहर वालों को, नगर वालों को प्रकाश देने वाले जीवन की ज्योति को हम लोग पाए हैं। परमेश्वर का ज्योति है। योवन्ना 1 में बता रहे हैं, उसमें जीवन था, वो जीवन मनुष्य के लिए ज्योति था, वो ज्योति अंधकार में चमकती है, अंधकार उसको हरा नहीं सकेगा। आप उस वचन को पढ़ेंगे, लिखा होगा अंधकार उसको ग्रहण नहीं किया, ऐसा लिखा होगा कुछ ट्रांसलेशन में, लेकिन सच्चाई बात यह है अंधकार उसके ऊपर प्रबल नहीं हो पाएगा, वही उसका सही अर्थ है। अंधकार कभी भी ज्योति को हटा नहीं पाएगा, लेकिन ज्योति हमेशा अंधकार को हटाएगा। आज मेरे भाई बहन, आज आपका जीवन में अंधकार की परिस्थिति है, आपको पता नहीं चल रहा मैं क्या करूं, आप अंधकार को हटाइए प्रभु, ऐसा प्रार्थना करते रहोगे, प्रभु जी क्या उत्तर देंगे? ये बताएंगे, मेरे ज्ञान को पाओ, मेरे ज्योति को पाओ, मैं तेरे को ज्ञान दूंगा, परमेश्वर की पहचान की महिमा की ज्योति तेरे दिलों में चमका दूंगा। वचन को पढ़ो, आत्मा की आवाज़ को सुनो, तेरे अंदर ज्योति चमकेगा, अंधेरा अपने आप मिट जाएगा। आज कितने अंधियारा हमारे जीवन में, हमारा लोगों के अंदर अज्ञानता के अंधियारा है। शैतान लोगों की आंखों को बंद करके रख देता है। दूसरे कुरिन्थी 4:4 में पढ़ रहे हैं, जैसे 4 में हम ये वचन पढ़े थे, परमेश्वर ज्योति हमारे दिलों में चमका। 4:4 में हम पढ़ रहे हैं, इस संसार के ईश्वर लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है, पट्टी बांध दिया है, ताकि सुसमाचार की इस ज्योति, इस ज्ञान की ज्योति, परमेश्वर की ज्ञान की इस महिमामय ज्योति को देख नहीं पा रहे हैं। देखो अंधा हो जाएगा आदमी, 1000 वाट भी, 50 वाट भी, 30 वाट भी, उसको कोई फर्क नहीं है। उस महत्वपूर्ण सुसमाचार की ज्योति को देख नहीं पा रहे हैं।
आज दिया जलाकर अपने दीवट पर रखना है, पैमाने के नीचे नहीं, काट के नीचे नहीं, छुपा कर नहीं रखे। मेरे भाई बहन, आज जीवन की ज्योति को पाए हो। जगत की ज्योति हम लोग हैं, तुम जगत की ज्योति हो। उस ज्योति को जब हम पाते हैं, जीवन की ज्योति है, उस ज्योति हमारे जीवन में काम कर रहा है। परमेश्वर ज्योति का पिता है, ज्योति के संतान है। भजन संहिता 36 में कह रहे हैं, तेरे अंदर से हम ज्योति को पाया, जीवन का सोता तेरे ही पास है। तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे, उससे जीवन की सोता है, उससे ज्योति का सोता है, उससे प्रकाश, उस प्रकाश के द्वारा प्रकाश के ऊपर प्रकाश पाएंगे। धर्मी जन की रास्ता अधिक अधिक चमकने वाले सूरज के समान है। आपके जीवन में ज्ञान की सोता बढ़ते जाएगा, आपका प्रकाश बढ़ते रहेगा, महिमा के ऊपर महिमा आपके रास्ता में प्रकट होते रहेगा। मेरे भाई बहन बच्चे, आज इस ज्योति को चमकाना है। भजन संहिता 18 में कहते हैं, तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरे परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारा को उजियाला कर देता है। हम लोग पहले अंधियारा में थे, घोर अंधकार की मृत्यु के छाया में, उस अंधकार की छाया में बैठे हुए थे, लेकिन परमेश्वर हमारा अंधियारा को उजियाला कर दिया है। कितना महान परमेश्वर है। आज आपके रास्ता अधिक अधिक चमकेगा, दुष्टों का दिया बुझ जाता है। नीति वचन 13 में पढ़, दुष्ट लोगों के दिया बुझ जाता है। आज वो लोग अच्छा से चमकेंगे, बोलेगा वो स्टार ये स्टार लोग बोलेंगे, लेकिन थोड़ा दिन के बाद आप देखिए उनका फेम, उनका प्रसिद्ध नाम छोटा हो जाता है, उससे दूसरा लोग आ जाते। लेकिन परमेश्वर के संतान हमेशा चमकते रहेंगे, थरा के समान, कभी भी उनका उजियाला घटेगा नहीं, हटेगा नहीं। दुष्टों की दिया बुझ जाता है। आज मेरे भाई बहन इस ज्योति को पाया है, आपके लिए, घर में आने वालों के लिए, शहर के लिए, पूरा जगत के लिए भी। सबसे पहले एक छोटा से शुरुआत करना चाहिए। कभी कभी लोग सोचते हैं मैं जगत की ज्योति हूँ, इसलिए पूरा जगत को मैं सुसमाचार प्रचार कर दूंगा। जरूर करोगे, लेकिन सबसे पहले अपने जीवन में काम करना है। सुसमाचार का मतलब मालूम होना चाहिए, उद्धार क्या है। कुछ लोगों को पूछने से पता नहीं पा रहे, ज्ञान नहीं है, अधूरा ज्ञान है, मालूम ही नहीं उद्धार पाया कि नहीं, पता नहीं। कितने भयंकर एक परिस्थिति में लोग रहते हैं, अंधेरा में रहते हैं, काफी सालों से चर्च भी जाते रहते हैं, और उद्धार का संदेश दूसरे लोगों को बताने वाले हैं। हर विश्वासी का ज्ञान इतना तो होना चाहिए, अपना ही उद्धार का कोई ठिकाना नहीं। वो सोचते मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं दारू नहीं पीता हूँ, बीड़ी सिगरेट नहीं पीता हूँ, पिक्चर नहीं देखता हूँ, मैं अच्छा लड़का हूँ, बचपन से क्रिस्ती हूँ। कितना वो अंधियारा है, कितना अज्ञानता है। परमेश्वर की संतान, आज उजियाला पाने के लिए वचन जरूर आपको मालूम होना चाहिए। परमेश्वर उजियाला देता है, बाइबल में लिखा उसके वचन सारे लोगों को ज्ञान देता है, ज्ञान देता है, बोले लोगों को ज्ञानी बनाता है, उसके जीवन में उजियाला देता है। इस दुनिया की ज्ञानी लोग नहीं समझ पा रहे, ऐसे एक ज्योति है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके शहर के लिए, आखिरकार पूरे जगत के लिए भी। एक एक इंसान एक ज्योति का समान, ज्योति चमक सकते हैं, सूरज के समान, चंद्रमा के समान, तारा के समान, आकाश की ताराओं के समान चमकेंगे। प्रभु के संतान करके दानियल के किताब में पढ़ रहे हैं, काफी लोगों को धार्मिकता में लेके आने वाले लोग हैं। इस ज्ञान की सोता को आप पाना जरूरी है, इस अंधेरा
कि जगत में इस घोर अंधकार की मृत्यु के छाए में बैठे लोगों के लिए हम परमेश्वर की ज्योति को देने वाले बने। ऐसा अगर हम करते हैं जरूर हमारा जीवन में जरूर हम दूसरे के लिए आशीष के कारण रहें। इस ज्ञान रहने से बोलते हैं अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना कर बनो, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना, और कहते हैं हर बातों में उसको ही ध्यान में रखो। ऐसा करने से तेरा शरीर भली चंगा, तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। नीति वचन 3 में पढ़ रहे हैं अपनी संपत्ति के द्वारा यहोवा का आदर करो, इस प्रकार तेरे कत्ते भरे और पूरे रहेंगे, तेरे रसकुंडों में नया दाक मधु मंडता रहे। देखिए जब परमेश्वर को इंसान जान लेते हैं उसका जीवन में हर चीज़ों में उसको आशीष मिल जाता है। शरीर चंगाई की बात कर रहे हैं और अपना जीवन में खत्ते भरे रहेंगे, मतलब आपके खाता में जमा रहेगा रसगुंडे, नया दाक मधु मंडता रहेगा, नया नया प्रकटीकरण मिलता रहेगा, नया नया आशीष मिलता रहेगा, नया दाक मधु मंडता रहेगा, भरे रहेगा, भरकर उमड़ने वाला रहेगा। पुराना नहीं, पुराना अनुभव से तृप्त नहीं होना। 20 साल पहले उद्धार पाया है, आज उस उद्धार को आप महत्वपूर्ण समझना है। बहुत बड़ा फर्क है उद्धार पाने से। ऐसा नहीं हम थोड़ा भक्तिमान बन गए, थोड़ा हम सुधर गए, वो नहीं, पूरा एक रूपांतर पा लेते हैं, ज्योति के राज्य में हम आ जाते हैं। अंधकार की प्रभु शैतान की हक, शैतान जो अंधकार की हकीम है, दुष्ट दुनिया के हकीम है, उसके कब्जे से छुटकारा पाकर परमेश्वर के राज्य के प्रजा बन जाते हैं। इस बात हमेशा याद रहना चाहिए, परमेश्वर हमें मृत्यु के छाया में बैठे हम लोगों को ज्योति में लाया है और हमको पावों को कुशल के मार्ग में चलाया है। परमेश्वर ने इस काम को किया है। तो जब परमेश्वर की उजियाला हमारे अंदर होता है, उस उजियाला जरूर अपना कामों के द्वारा प्रकट होता है, छुपा कर नहीं रहेगा, उसको जरूर आएगा। यही मती का 5 में पढ़ रहे हैं जगत की ज्योति तुम हो, ऐसा कहते हैं। फिर 16 वचन में मती का 5, इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारा पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तो पहला, सबसे पहले मैंने कहा परमेश्वर का ज्ञान, उसके पहचानना, उसके सुसमाचार को विश्वास करना, उद्धार को पाना, पहले उजियाला आपके जीवन में काम करें, उसके बाद आपके घर वाला में कार्य करें, उसके बाद आप जिस नगर में रहते हैं वहाँ पर कार्य करें। अगर प्रभु चाहते हैं, प्रभु की कृपा मिलेगा आप जगत के लिए भी, प्रभु तो चाहते हैं सब लोग जगत की ज्योति बनने के लिए प्रभु चाहते हैं, लेकिन एक एक कदम से आगे बढ़ाएंगे, जगत की भी आपके ज्योति बनाएंगे। आपके द्वारा काफ़ी देशों में रहने वाले लोग परमेश्वर की ज्योति को, चंगाई को, आशीष को पाएंगे। तो भले काम जो है, पवित्र जीवन है, वही एक उजियाला है। अंधेरा का दुनिया में सब लोग पाप में पड़े रहते हैं, कुछ लोग दिया के समान पवित्र जीवन बिताते हैं। वही लोग हैं जिसके अंदर वो ज्योति है, वही ज्योति कामों के द्वारा प्रकट होता है। भले कामों को देखकर तुम्हारा पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करेंगे। तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमकना है भले कामों के द्वारा। एक बार एक स्त्री का कहानी संभव कम पढ़ रहे यौन 8 अध्याय में, जब लोगों ने विचार में पकड़ लिया, पत्थर मारकर मार डालने के लिए यीशु के पास लाए थे, पूछ रहे थे। जब यीशु मसीह ने उस बहन को माफ़ कर दिया,
लोगों को बोला, भाई जो व्यक्ति पाप नहीं किया वही पत्थर मारो। सब लोग भागा चला गया। यीशु मसीह उस स्त्री को माफ कर दिया। उसके बाद 12वां वचन में कहते हैं, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेता है अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा, ज्योति पाएगा, ज्योति में चलेगा, पाप नहीं करेगा। पाप है, अंधकार है, पवित्रता ज्योति है, ज्योति में चलेगा, ज्योति पाएगा। उस बहन उसके बाद पाप में नहीं गया होगा, जरूर यीशु मसीह से माफ़ी मांग लिया। अंधकार के वश में पड़े हुए लोग कितने भयंकर है, कितना भयंकर अनुभव है। एक गवाही में पढ़ रहा था विदेशी का एक लड़का के बारे में, एक सुंदर लड़का है, उसका शरीर बहुत सुंदर था लेकिन पढ़ाई ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, काम वाम नहीं मिला, घूमता रहा, कहीं एक जगह पर गया, कोई लड़की लोग रास्ता में मिल गए, वो लोग बोलने लगे, अब सुंदर लग रहे हो, तुम मॉडलिंग काम कर सकते हो और हमारे साथ चलो, दूसरे भी काम हम दिलाते हैं जो हम लोग भी करते हैं, उसमें बहुत पैसा मिलता है। लड़का गया लड़की लोगों के साथ, वहाँ पर जो कहते हैं पोर्नोग्राफी का शूटिंग करने का वो जगह पर वो लड़का को ले गए हैं। वो लड़का का जीवन बर्बाद हो गया, बोलते हर दिन मुझे काम कराते हैं सुबह से शाम तक, एक जानवर जैसे, मिशन जैसे। उसके बाद मैं घर आ जाता हूँ, बहुत पैसा तो बहुत मिलता है बोलता है। उस इंडस्ट्री में कितने सारे अच्छे अच्छे परिवार के जवान लड़का लोग लड़की लोगों को शैतान पैसे के लालच में भरमा करके दबा देते हैं। उस लड़के की गवाही मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज वो व्यक्ति एक पास्टर है, उसके एक सुंदर पत्नी है, बच्चे लोग हैं, अच्छी कलीसिया है, उसका एक जमाने की बात था, पहले जवानीपन में कैसे उसका जीवन बर्बाद हो गए। बोलते थे मैं जब पाप में था मेरे जीवन पूरा अंधकार में था, अंधकार में थे, घर पर आते हैं माँ बाप भी भगा दिया, माँ बाप के घर छोड़कर कहीं बड़े फ्लैट में रहने लगा। बोलते मैं काम करके सीधा फ्लैट में ताला बंद करके अंदर रह जाता हूँ, ड्रग पी करके पड़ा रहता हूँ क्योंकि इतना दूषित मन उसको लगाते। बोलते इससे जो फीलिंग है, दूषित मन का फीलिंग, कितने मैं गंदा काम कर रहा हूँ, मेरे शरीर को बिगाड़ रहा हूँ, माँ बाप का प्रेम को तुच्छ गिन रहा हूँ, भाई बहनों को भी तुच्छ गिन रहा हूँ। और वो लड़का का उस समय मैं कहता था कि जब मैं उस काम करता था कोई भी लेडीज़ को एक अच्छे पवित्र नज़र से देख नहीं पा रहे थे, इवन अपना मम्मी पापा को भी, बहन लोगों को भी, जो सामने आएगा गंदा नज़रियों से देखने वाले, ऐसे दुष्टात्मा से भर गए, ऐसे इंडस्ट्री में रहते रहते। बाद में एक दिन आ गया उसके मन पूरा बोझ से दब गया, पाप की बंधन। यीशु ने कहा पाप करता है, योहन्ना में पाप की गुलामी है। भले लोग ऐसे से पोर्नोग्राफी का वीडियो देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, उनमें लगेगा वो लोग बहुत खुशी से कर रहे हैं, जैसे नाटक कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो सारे लड़का लोग लड़की लोग दबान में रहते हैं, ड्रग्स पीते हैं, सुसाइडल रहते हैं, दूषित मन से दबे रहते हैं। मैं दूसरे लोग जैसे नॉर्मल क्यों नहीं बिहेव कर पा रहा हूँ, समाज में सबके साथ मैं नॉर्मली फ्रीली मूव नहीं कर पा रहा हूँ। एक दिन इस लड़का पछताया, बस हो गया मेरा जीवन, ऐसा नष्ट नहीं करूँगा। उसके पास $50,000 का कॉन्ट्रैक्ट था। लड़का ने सोचा जाने तो बाड़े में $50,000, लेकिन मुझे अपना जान को बचाना है। एकदम भागा चला आया, वहाँ से निकल आया, मम्मी के पास आया, गले लगाया, मम्मी ने प्रेम दिखाया, सच्चाई प्रेम इसी में है,
सच्चाई ज्योति इसी में है। झूठ मूठ का शारीरिक अभिलाष, आंखों की लालसा, जीवन की गमन, शैतान देने वाले थोड़ा समय का आनंद नरक की ओर लेके जाएगा। और उनका अंधकार को देखो, उस अंधकार को देखते कितने सारे लोग अंधकार में डूबने लगते हैं। उसके गवाही में पड़ा कितने महान प्रभु है, ऐसे एक लड़का के जीवन में काम किया, उसने वो फील्ड छोड़कर आ गया, छोटा से नौकरी पाया, थोड़ा से कमाई में, और नौकरी का जगह में भी कुछ लोग पहचान लेते थे, तुम आए वो ऐसे फिल्म में एक्टिंग किए थे ना तुम, शर्मिंदा होते थे, ऐसे से मुँह छुपा करके भागते रहते थे। लेकिन परमेश्वर का उजियाला उसके जीवन में शर्म को दूर किया, जीवन बदलने लगा। आज एक पास्टर है, जवान लोगों को गवाही देता है, तुम अंधकार में न चलना, जीवन के ज्योति को पाना, सच्चाई प्रेम को समझना, झूठ मूठ की शारीरिक अभिलाष प्रेम नहीं है, शारीरिक अभिलाष, उसमें लोग फंस जाते हैं, अंधकार में डूबते हैं, नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। आजकल मेरे खास जवान बच्चे लोग, माँ बाप, भाई बहन जो सुन रहे हो, बच्चों को पर ध्यान देना, क्या देख रहे हैं मोबाइल में, अकेले में ध्यान रखिएगा। अंधकार की चीज़ें हैं, आकर्षित करता है, अट्रैक्टिव रहता है, लेकिन स्वीट पॉइजन बोलते हैं, मतलब मीठा जहर है, मीठा जहर, वो स्वीट पॉइजन है, विष भरे हुए मिठाई है। लड़का लोग, लड़की लोग ध्यान दीजिए, शरीर खराब हो जाएगा। यीशु ने कहा जब तेरा आंख सही रहेगा, शरीर पूरा उजियाला रहेगा, बलि चंगा ही रहेगा। ऐसे ऐसे फील्ड में जाने वाले काफ़ी सारे बीमारी पा लेते हैं, 30-40 की उम्र में मर जाते हैं। आपका मालूम है, एक जमाने में मर्लिन मनरो हॉलीवुड में फेमस लेडी थी, कितने गंदे गंदे होश में, उस जमाने में कोई भी हिम्मत नहीं करते थे, ऐसे वो शैतान की आत्मा से भरकर ऐसे ऐसे होश में एक्टिंग करने लगे। एक दिन देखा अपने बिस्तर पर ऐसे गलत अवस्था में, कपड़ा बगैर, पूरा ड्रग्स लेकर के, स्लीपिंग पिल खा करके अपने आप को आत्महत्या किया। पाप नरक की ओर ले जाता है, पाप मृत्यु की ओर ले जाता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम है, ज्योति चमकाता है, माफी देता है, शुद्ध करता है, कितने भी गंदा क्यों ना हो। ऐसे जो लोग हैं, जिसका उदाहरण दे रहे हैं, जो मर गई है हॉलीवुड एक्ट्रेस, जिसके कारण कितने सारे प्रसिद्ध लोग, बड़े बड़े लोग उसके साथ अपने जीवन को बर्बाद किए हैं, लेकिन ऐसे आदमी भी अगर मन फिर जाते थे, परमेश्वर ज़रूर माफ़ी दे देता, ज़रूर परमेश्वर माफ़ी करने में उत्साह उस्ताद है, माफ़ी करने के लिए वो चाहता है। आज अंधकार के कामों को त्याग देना चाहिए। तो अंधकार के काम है, चुपके से लोग करेंगे, लोगों को हिम्मत नहीं रहेगा, दूषित मन रहेगा। यहाँ एफएससी 5 में बोल रहे हैं, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, अंधकार की काम करते थे, चुपके से करते थे, अभी उसका चर्चा करना भी अच्छा नहीं लगता है। अभी ऐसी चीज़ जो हम बता रहे हैं, ये भी हमको बताने के लिए शर्मिंदा होते, लेकिन गवाही के लिए हम बता रहे हैं, बोल रहे हैं अब तुम प्रभु में ज्योति हो, ज्योति का संतान की नाई चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है, यही ज्योति का फल है। ज्योति पाएगा, ज्योति में चलेगा, वही मैं कहता हूँ, ज्योति रहेगा, ज्योति प्रकट होगा, ज्योति का फल है, जैसा पेड़ है आम का, पेड़ आम का फल है, और अंधकार के काम है ज्योति का फल है, दोनों चीज बाइबल बता रहे हैं।
जैसे गलती पांच में पढ़ोगे, शारीरिक काम करके काफ़ी आइटम्स लिखा रहता है, फिर आत्मा के फल करके नौ चीज लिखा रहता है। पवित्र आत्मा के द्वारा इस ज्योति का फल है सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता, सत्य है, विश्व पांच नौ। और आगे बता रहे हैं 14 वचन, इस कारण वह कहता है ये सोने वाला जाग, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। कौन सोने वाले हैं अंधेरा में, रात की समय में? दूसरे पत्रे में लिख रहे हैं रात के संतान सोते रहेंगे, अंधेरा में रहेंगे, उनके अंदर जीवन की ज्योति नहीं है। सोने वाले मरने वाले होते हैं, मुर्दों में से जी उठ। ऐसे अंधकार की वश में जाकर बेफिक्र रहेंगे, कोई भी चलेगा, उधार पाए हुए भी चलेगा, नहीं पाए तो भी चलेगा। पवित्र आत्मा पाने का क्या जरूरी है, वचन जात में पढ़ने का क्या जरूरी है? ऐसे जो बोलने वाले सोए अवस्था में है, ऐसे पढ़ा रहेंगे मृत्यु का अवस्था में भी आ सकते हैं। बोलते हो जी उठो, उठो पहले, मुर्दों में से जी उठ, मसीह का ज्योति तुझ पर चमकेगी। परमेश्वर की ज्योति चमकेगा, ज्योति का फल हर प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। ज्योति का संतान है, प्रभु में ज्योति हो खुद ज्योति हो जाते हैं, ज्योति का संतान खुद ज्योति बन जाते हैं। हमारा पापा ज्योति, हम भी ज्योति बन जाएंगे, हम दूसरे को ज्योति चमकाएंगे, अपना भी ज्योति को पाएंगे, अंधेरा में नहीं रहेंगे। पाप एक अंधकार है, अज्ञानता एक अंधकार है, लेकिन परमेश्वर की पहचानने से ज्योति को पाएंगे। और पाप अंधकार है, पवित्रता को पाएंगे, ज्योति को पाएंगे, हिम्मत से चलेंगे। जैसे वो लड़का छुपा छुपा कर आते थे ऐसे नहीं रहेंगे, हिम्मत से प्रभु के पास जाने में, लोगों के साथ बात करने में, ज्योति में रहते हैं। ये क्यों ना एक साथ में कहते हैं जो पवित्र जीवन बिताने के लिए जरूरी है, खुला रीति से जीवन व्यतीत करना है। छुपाने से शैतान के लिए मौका मिल जाता है। कुछ लोगों के जीवन में कुछ ग्रे एरिया बोलते हैं, ग्रे एरिया, ग्रे एरिया मतलब दूसरों को किसी को पता नहीं चलेगा उनके मन में क्या चल रहा है, उनके प्राइवेट लाइफ में, मोबाइल में, कंप्यूटर में, नहीं तो उनके हार्ड डिस्क में, कहीं पेन ड्राइव में क्या रखा है किसी को पता नहीं। कोई चेक करने जाएंगे, करने नहीं देंगे, अरे अरे चलेगा चलेगा मत देखना, यही अंधकार में रहने वाला जीवन है। इसमें छुपा छुपी खेल खेलेंगे, परमेश्वर को भी अपने आप को खोल लेंगे नहीं, खुला नहीं करेंगे, अपने कमजोरी को नहीं मानेंगे, तो बीमारी, कोई भी बीमारी को छुपा करके ठीक नहीं करा पाएंगे। इसको खोलना जरूरी है डॉक्टर के सामने, जो मम्मी पापा के सामने, जो आपको प्रेम करने वाले के सामने, आपके भाई बहन जो प्रभु में है उनके सामने, आपका जो अंदर की बातें हैं, जो आपको प्रॉब्लम है, संघर्ष है, समस्या है, बताने बगैर छुपाते रहेंगे कैसे संगति में रहोगे? मेरे भाई बहन बच्चे लोग, ज्योति में रहना है। ये क्यों होना, एक साथ हम इस वचन को अच्छी तरह जानते हैं, बार बार हम बताते भी हैं, इसके पीछे के भाग सब लोग जानते हैं। उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, जरूर ये चीज वास्तविकता है, सच है, लेकिन इसका एक ही कंडीशन है। इसमें पहले भाग में देख सकते हैं, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम ज्योति में चले, एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं मतलब संबंध रखते हैं, परमेश्वर के साथ भी, अपने सगे विश्वासियों के साथ भी संबंध में रहेंगे, ज्योति में रहेंगे। उसके बाद कहते हैं उसके पुत्र यीशु का लहू
सब पापों से शुद्ध करता है। हम संबंध में रहने से, परमेश्वर के रिश्ता में रहने से ज्योति में चलते हैं। ज़रूर हमें बताएंगे, परमेश्वर हमको बात करेंगे, हमको सिखाएंगे, अपने विश्वासी भाई बहनों के द्वारा, अपने परिवार वालों के द्वारा, जो आपके ऊपर प्रेम करे उनके द्वारा आपको बताएंगे कहाँ प्रॉब्लम है। आप छुपा के रहेंगे जैसे पैमाने के नीचे रखा हुआ दीपक के समान रहेगा। ज्योति में चलना है, खुला चलना है, परमेश्वर के सामने, मनुष्य के सामने हमारा विवेक खुला हुआ करके। पौलुस कहते हैं जैसा वह ज्योति में है वैसे हम ज्योति में चलें, एक दूसरे से सौभागिता रखते हैं, ईमानदारी से चलेंगे, जो भी गलतियां होंगे उसको मान लेंगे, माफ़ी मांग लेंगे, माफ़ी पाएंगे, ज्योति में चलेंगे, वही पूरा शरीर को भी चंगा करेगा। ये लूका 11:36 में पढ़े थे, इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो, मतलब शरीर में पाप के लिए जगह नहीं, यही बात यहाँ परिश्रम से बता रहे हैं। अगर आंख निर्मल है, मन में पाप नहीं है, आंखों में पाप नहीं, शरीर में भी पाप के लिए जगह नहीं, और लिख रहे हैं यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे, कोई भाग अंधेरा ना, शरीर का कोई भी भाग में पाप के लिए जगह नहीं। लेकिन ऐसे ऐसे जो एग्जाम्पल दिया मैंने, ऐसे जगह में, ऐसे फील्ड में देने वाले पूरा शरीर को शैतान के हाथ में बेच देते हैं पैसे के लिए। यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहे हैं तेरा सारा शरीर उजियाला हो, कोई भाग में अंधकार ना रहे, 0.001% भी शरीर में अंधकार नहीं रही। बोलते तो सबका सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से उजियाला देते है। पूरा चंगा ऐसे रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, ताकतवर रहेगा, लोगों के लिए आशीष के कारण बनेगा। पाप एक अंधेरा है, अंधेरा का शैतान पाप कराते हैं, बाद में दोष लगाते हैं, वही आदमी बाद में आत्महत्या करने लगते हैं, जो शैतान की वश में रहेगा जीवन पूरा बर्बाद हो जाएगा। यीशु मसीह बार बार बोलते थे ज्योति आपके पास है, तुम ज्योति पे चलना है, ज्योति पर चलना, ज्योति में चलने वाला का कोई डर नहीं है। यूहन्ना 11:10 में यीशु मसीह के चेले लोग बता रहे हैं, प्रभु जी हम वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ लोग आपको यहूदिया में लोग मारने के लिए बैठे हैं, पत्थराव मारेंगे। यीशु मसीह क्या बोलते हैं, यीशु ने उत्तर दिया यूहन्ना की 11:9 में, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते, यदि कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता है। ज्योति में चलने वाला का कोई ठोकर नहीं, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, रोशनी को पाता है। दिन में चलने से हमारा जीवन उजाला रहेगा, रात को चलेगा ठोकर खाएगा। यीशु मसीह का कोई डर नहीं है, कोई ठोकर का कारण नहीं है। हिम्मत से कहते थे यूहन्ना 14:10 में, बोलते हैं क्योंकि संसार का सरदार आता है, मुझ में उसका कुछ नहीं है, मेरे में कोई संबंध नहीं है उसका, मुझे दोष लगाने के लिए उसका कोई मौका नहीं है। यूहन्ना 8:10 में बोलते हैं तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है, यदि मैं सच बोलता हूं तो मेरे प्रतिति क्यों नहीं करते। कोई भी यीशु मसीह को पाप नहीं ठहरा, इसलिए हिम्मत से जाता था, मैं दिन में जा रहा हूँ, संसार के सरदार मुझे कुछ नहीं कर पाया। यही पवित्रता की हिम्मत होती है, पवित्र जीवन बिताने वाले ज्योति में चलता है, ठोकर नहीं खाता है। तीसरी चीज़ है प्रेम का ज्योति, यीशु मसीह का ज्योति है जीवन की ज्योति है, यीशु मसीह का ज्योति है ज्ञान की ज्योति है, यीशु मसीह का ज्योति पवित्रता की ज्योति है, और यीशु मसीह का ज्योति है प्रेम का ज्योति है। ये क्यों ना 2 में वचन पढ़ रहे हैं, जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूं अपने भाई से भय रखता है, अब तक अंधकार में ही है
और लिखते हैं, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है तो ज्योति में रहता है, ठोकर नहीं खा सकता। पर जो कोई अपने भाई से भय रखता है वह अंधकार में है, अंधकार में चलता है और नहीं जानता कहाँ जाता हूँ, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। अंधकार ने उसकी आंखों को अंधा कर दिया है। नफरत की आत्मा है, अंधेरा का आत्मा है, नफरत की सरदार है शैतान है। प्रेम का सोता हमारा परमेश्वर यीशु ने कहा, जैसे पिता ने मुझे प्रेम किया, यूहन्ना 15 में, वैसे तुम भी प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो। इस बातों को मैं इसलिए कहता हूँ तुम्हारा आनंद पूरा हो। प्रेम में चलने से उजियाले में चलते हैं, आनंद में चलते हैं, क्योंकि उजियाला आनंद है। उजियाला आनंद की ओर लेकर जाता है। नीति वचन 13:9 में पढ़ रहे हैं, धर्मियों की ज्योति आनंद के साथ रहती है, दुष्टों को दिया बुझ जाता है। तो आज इस वचनों को हम याद रखेंगे, धर्मियों की ज्योति आनंद के साथ रहती है। प्रेम की आनंद है, प्रेम से आनंद होती है, प्रेम से चंगाई रहती है। प्रेम का उजाला नफरत की अंधेरा को मिटाएगा। हालेलुया। नफरत अंधेरा को ऊपर, नफरत की अंधेरा प्रेम की उजाला को ऊपर जय नहीं पा सकेगा, लेकिन प्रेम की उजाला हमेशा नफरत की उजाले को, नफरत की अंधेरा को ऊपर जय पाएगा। आज हम प्रार्थना करेंगे। और बीमारी भी एक अंधेरा है, अभी हम लोग इसी में प्रार्थना करेंगे। जो उजियाला है परमेश्वर का ज्ञान कि उजियाला, उसके वचन के द्वारा उस ज्ञान को हम पाते हैं, आत्मा की प्रकटीकरण के द्वारा परमेश्वर को अच्छी रीति से पहचान लेते हैं, वही उजियाला हमारे दिलों में, हमारे घरों में, हमारे शहरों में, जगत में चमकना चाहिए। और दूसरी चीज़ है जो हम उजियाला में चलना है, ज्योति पर चलना है, पवित्र मार्ग पर, भले कामों के द्वारा परमेश्वर की ज्योति को हम चमका सकते हैं। और तीसरा चीज़, प्रेम में चलने से ज्योति में चलेंगे, नफरत में चलने से हमारा आंखें बंद रहेगा। देखो, जो आदमी नफरत में रहता है उसके साथ बात करने चाहोगे आपसे बात नहीं करेगा, बात करेगा तो भी तलवार जैसे काटेगा। नफरत इंसान को मारता है, प्रेम पट्टी बांधता है, माफ़ करता है, चंगाई देता है। आज हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर ऐसा प्रेम की आत्मा मेरे अंदर रहे ताकि मैं माफ़ करूं, ताकि मैं पट्टी बांधूं, ताकि मैं चंगाई करूं, लोगों की आंखों को खोल दूं। जैसे शाऊल के बारे में हम देख रहे हैं, जब यहूदी धर्म की धुन में क्रिश्चियन लोगों को मारते थे, अननिया को प्रभु ने कहा कैसे तुम जाना उसके लिए प्रार्थना करना, वो बोलते थे प्रभु जी वो तो मार डालने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम जाना, मेरे लिए एक बर्तन है। जो आदमी नफरत की आत्मा से यहूदी लोगों को मार डालते था, मारने के लिए भागता था, सिफनस को पथराव मारते हुए तमाशा देख रहा था, वही आदमी को कितने परिवर्तन होते हुए, कितने क्रिश्चियन लोगों को प्रभु में आगे बढ़ाते हुए, अन्य जाति लोगों को सुसमाचार की ज्योति प्रचार करते हुए बदलाव किया हुआ, बदलाव पाया हुआ व्यक्ति पहला कुरिन्थियों 13 में प्रेम के बारे में इतना बढ़िया से लिख रहा है। ऐसा बदलावट को परमेश्वर ने उसका जीवन में दिया है। प्रेम की आत्मा, प्रेम के उजियाला नफरत की अंधेरा को ऊपर जय पा लिया। आज हमारा जीवन में प्रेम की उजियाला को हम पाए हैं, इसको हम प्रकट करेंगे। ज्ञान की उजियाला, प्रेम की उजियाला को, पवित्रता की उजियाला, भले काम की उजियाला प्रकट करते रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा ने मदद किया आज जो वचनों को बोलने के लिए। मेरे अंदर प्रभु जी आपने कार्य किया है, मेरे निर्बलता के बीच में अपने बल प्रदान किया। मेरे भाई बहन बच्चे लोग अंधकार में न चले, जीवन के ज्योति को पाए,
प्रभु जी ज्योति में चलने वाले हैं, ठोकर नहीं खाता है। ज्योति में चलेंगे, एक दूसरे से संगति रखेंगे, सहभागिता रहेंगे। यीशु का लहू हमारे सारे पापों को शुद्ध करेगा। ज्योति में चलने वाले रहें, अंधकार में छुपाने वाले हैं, बातों को छुपा कर बोलने वाले ना रहें, खुले हृदय के साथ प्रभु जी लोगों के सामने हिम्मत से रहने वाले रहें। आपके नजरियों में जो ठीक है वही हम करें, हमारा भले कामों से प्रभु जी हमारा उजियाला चमके, तो ताकि स्वर्ग पिता की बड़ाई लोग कर पाए हमारा जीवनों के द्वारा। आज मेरे भाई बहन बच्चों को आशीष किया, हम विश्वास करते हैं जीवन का ज्योति पाए हुए हम लोग, इस ज्योति को चमकाना है। दुनिया के नूर आप लोग हैं, प्रभु जी हम लोग है करके आपने कहा, इस बातों को हम कभी भूले नहीं। सारे बच्चे लोगों को, भाई बहनों को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं, तेरे आशीष और अनुग्रह से भर जाए। हमारे अंदर की दीवट दिया हमेशा जलते रहें, तेरे आगमन तक और भी तेजी से चले, कभी बुझना नहीं। पापों के अंधेरा में, अज्ञानता में, शैतान की अंधेरा का ताकत के लिए झुकने वाला ना रहें, तेरे ज्योति के सामने हमेशा प्रभु जी हम घुटने टेकें, तेरे ज्योति को हम पाते रहें, तेरे अंदर चलते रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ स्वर्गीय पिता, आमेन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा का संग हम सबके साथ हमेशा बना रहे, आमेन।